खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। आजमगढ़ फूलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन गढ़वा मंदिर पर किया गया। बहुत से लोग घरों में अकेले ही योग कर इस दिवस को मनाया। अधिकारियों ने भी योग दिवस पर योगाभ्यास किया। नगर से लेकर गांव तक योग दिवस लोगों ने मनाया। एक साथ हजारों हाथों ने सूर्य को नमस्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए अपने अपने घरों में लोगों ने योगाभ्यास कर योग दिवस को मनाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम आशीष योग शिविर में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग कर जन सामान्य को योग के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने दैनिक जीवन शैली में योग को अपनाना चाहिए। योग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक विकारों का नाश होता है। योग शिक्षक श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, योग से बीए का छात्र संदीप कुमार प्रजापति प्रशिक्षण में नगरवासियों को योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में लोगों को योगाभ्यास करवाया। योग अभ्यास शिविर गढ़वा मंदिर पर अनिल कुमार, सुरेंद्र कुमार यादव, सुरेश मौर्य, राम आशीष बरनवाल, संतोष सोनी, डॉक्टर राम आशीष यादव और अधिक से अधिक लोगों ने शिविर में योगाभ्यास किया। अपने जीवन में जो मन शांति होती है, जिसे आज हम आज का ये समय इस तरह का है कि हमें किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है, अपने काम से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर भी अगर हम इसमें से अपने लिए एक घंटा निकालें तो हम पूरे 24 घंटे तक अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं योग करके। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए योग का छात्र हूँ। मैं गांव में आया था तो मुझे जानने वाले यहाँ पे बुलाएं कि आप योग करते हैं तो हमें भी योग का लाभ दीजिए। तो मैं इन लोगों के बुलाने से मैं यहाँ पे आया और योग सिखाना चालू किया। जो भी मेरे पास ज्ञान था मैं उन्हें सबको दे रहा हूँ।